तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच आज खेला जाएगा। इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने 209 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए 2 विकेट से मैच अपने नाम किया था। इस मुकाबले में सभी की नजरें भारतीय टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन पर रहने वाली हैं, जो पहले मैच में सिर्फ 2 विकेट ही हासिल कर सके थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में बारिश की संभावना करीब 55% है, वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दरअसल पिछले कई दिनों से तिरुवनंतपुरम में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के बाद अब जो रूट भी आईपीएल का अगला सीजन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा ने बताया कि हमारी रिटेंशन बातचीत के दौरान जो रूट ने हमें आईपीएल 2024 में हिस्सा नहीं लेने के अपने फैसले के बारे में बताया। रूट ने पिछले सीजन में आईपीएल में अपना डेब्यू किया था और उन्हें पिछले सीजन में 3 मैच खेलने का मौका भी मिला था। आईपीएल में प्लेयर्स ट्रेड विंडो नियम के जरिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से शाहबाज अहमद और मैंक डागर को ट्रेड किया है। मैंक डागर को सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2022 में मिनी ऑक्शन में 1.80 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। वहीं आरसीबी ने शाहबाज अहमद को 2.4 करोड़ रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने यूएई में खेले जाने वाले अंडर 19 एशिया कप 2023 के लिए भारत की अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। एशिया कप 2023 8 टीमों के बीच खेला जाएगा। 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, जापान, यूएई और बांग्लादेश है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। आईपीएल 2024 में खेले जाने वाले सीजन की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज सभी 10 फ्रेंचाइजियां अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट को जारी करेंगी, जिसमें कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद 19 दिसंबर को प्लेयर्स ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अगर 79 रन और बना लेते हैं तो वे टी20 इंटरनेशनल में अपने 2000 रन पूरे कर लेंगे। सूर्यकुमार यादव अभी तक 51 पारियों में 46.85 की औसत और 173.37 के स्ट्राइक रेट से 1921 रन बना चुके हैं। अगर सूर्यकुमार इस मैच में ये आंकड़ा पार कर लेते हैं तो वे टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। ये रिकॉर्ड फिलहाल विराट कोहली के नाम है। विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज दीपक चहर का गुजरात के खिलाफ मुकाबले में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला। चहर ने अपने 10 ओवर के कोटे में सिर्फ 41 रन खर्चे और 6 बल्लेबाजों को पवेलियन के राह दिखाई। राजस्थान की टीम ने इस मुकाबले में गुजरात को 5 विकेट से मात दी। वर्ल्ड कप खत्म होने के साथ राहुल द्रविड़ का भी भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया है। अब बीसीसीआई ने उनसे आगे की योजना के बारे में बात की है, जिसमें लगभग ये साफ हो गया है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच के तौर पर कोई नया चेहरा नियुक्त किया जाएगा। टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में 14 गेंदों में नाबाद 22 रनों की पारी खेलने वाले रिंकू सिंह ने अपनी मैच फिनिश करने की प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया है। अब इसी को लेकर उनके साथी खिलाड़ी तिलक वर्मा ने उनकी तारीफ की है और कहा है कि रिंकू से मैच फिनिश करने की कला वे खुद सीख रहे हैं।